उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख पा रहे हैं, आप आज का जो टॉपिक है वो है आपका रबर क्लास, और इस समय आपका जावा प्रोग्रामिंग आपकी चल रही है, जिसमें कि हम कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेके चल रहे हैं। रबर क्लास में आपको डिटेल बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। दिस इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचर ओग्रेन, एंड आई एम हियर टू गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन रबर क्लास, राइट? एंड इन दिस यू आर हैविंग अ प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन फॉर द सेम। इन प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, हाउ द रबर क्लास वर्क्स हियर, हाउ द रबर क्लास फंक्शंस हियर, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, लेट मी हैव अ वार्म वेलकम ऑन माय YouTube चैनल। स्टूडेंट्स, रैपर क्लास में सबसे पहले आपको समझना है क्या है। रैपर क्लास एक ऐसी चीज, एक ऐसा क्लास है जिसकी हेल्प से हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ लिखा है यहाँ पर int a equal to 10, int a equal to 10 लिखा है, ठीक है, और इसका अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो आपने लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, और यहाँ पर लिख दिया आपने प्लस a, तो ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ कोई भी मतलब कुछ नई चीज नहीं दी गई है, nothing to worry about it, because no new thing is happening here. But students, if you write like this, अगर आपने कुछ इस तरह से लिखा था आपने int a equal to 10, sorry, आप यहाँ लिखे इस तरीके से int a, और यहाँ पे आपने string एक string बनाया, और string में आपने store कर दिया इस तरीके से, string में आपने इस तरीके से store कर दिया, क्या हम इसको हम convert कर सकते हैं इस तरीके से? क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं? आपको यहाँ पर जब आप इसको प्रोग्राम को बना करके आप रन करेंगे, आप तो रन करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा रन टाइम एक्सेप्शन एरर आपको मिलेगा यहाँ पर, रन टाइम एक्सेप्शन एरर क्यों, ठीक है, इसका भी जवाब आपको इस तरह के डेमोंस्ट्रेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा जब आप पार्सिंग करते हैं, या फिर आप यहाँ पर कन्वर्जन करते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तो उस कन्वर्जन को करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ क्लासेस का यूज करना पड़ता है। जैसे आप मान लेते हैं कि अगर आपने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप आपने लिखा है इंट लिखा है, तो इसके जो रैपर क्लास होगी उसका रैपर क्लास हो जाएगा इसका इंटीजर, और ध्यान रहे इसका आई कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हैं, आप फ्लोट, ठीक है, तो फ्लोट में आपका यहाँ पर आपका एफ कैपिटल हो जाएगा, एफ कैपिटल हो जाएगा। अगर आपने यूज किया है यहाँ पर केयर सी एच ए आर सी एच ए आर, तो यहाँ पूरा आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल, ठीक है। तो आपको पार्सिंग करने के लिए क्या करना होता है, पार्सिंग करने के लिए आपको लिखना होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा यहाँ पर int a। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आप प्रिंट ले लीजिए, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, और यहाँ पर आपने इसको प्रिंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपका किसी बिना किसी एरर के आपका यहाँ पार्सिंग हो जाएगा। तो आपको समझना ही है कि ये आपका जो रैपर क्लास है बिना इसके यूज किए हुए आप पार्सिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है आपके यहाँ पर, और अब आप इसके जस्ट बाद आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पे जाएंगे, और वहाँ पर आप अपने इस टॉपिक को प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज कम टू माय लैपटॉप स्क्रीन सो दैट आई कैन डेमोंस्ट्रेट ईच एंड एवरी स्टेप, ओके, प्लीज कम। ओके स्टूडेंट्स, now I'm going to start the class. In this class you're going to have the last topic of Java programming according to class 12th syllabus. The topic is wrapper class.
सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट इज रैपर? रैपर होता क्या है? रैपर होता क्या है? सो रैपर इज नथिंग बट इट्स अ वन काइंड ऑफ मैकेनिज्म. दिस मैकेनिज्म कन्वर्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू द ऑब्जेक्ट एंड इफ यू वांट देन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप. राइट, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी विल हैव द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द सेम. ओके, यू डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द रैपर क्लास. रैपर क्लास मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप को, यानी जितने भी आपके इंट, फ्लोट और भी कई तरह के होते हैं, वो सब आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं आपके. ठीक है, यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, उन डेटा टाइप को हम उन्हीं के रैपर क्लास का यूज़ करके हम यहाँ पर हम एक कन्वर्जन है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो हम कर सकते हैं. ठीक है, सो उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, कैसे करना है, क्या करना है उसके लिए. चलिए, अब मैं जो है आपको एक चीज़ बताना है यहाँ पर. बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज इंट, फ्लोट एंड सो ऑन ऑफ जावा आर पास्ड बाय वैल्यू नॉट बाय रेफरेंस. मतलब ये हुआ कि जब हम इंट, फ्लोट, डबल वगैरह जब हम यूज़ करते हैं तो हम वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं वेरिएबल में और उसका डेटा टाइप हम बता देते हैं हम. ठीक है, इन सब का कभी भी एड्रेस या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं हम, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर. बट समटाइम यू मे नीड टू पास द प्रिमिटिव डेटा टाइप बाय रेफरेंस. कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम रेफरेंस की हेल्प से पास कर सकें हम. ठीक है, दैट इज़ व्हेन यू कैन यूज़ द रैपर क्लास प्रोवाइडेड बाय द जावा. यानी कि हम यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं बाय रेफरेंस की हेल्प से, यानी उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं हम. जैसे आपने देखा यहाँ पर, जब हम सिंपली काम करते हैं तो लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 50 लिख देते हैं, इंट ए इक्वल टू 50 हम लिख देते हैं यहाँ पर. अब 50 जो वेरिएबल, जो आपका नंबर है, ये आपका स्टोर हो गया आपका इंट ए, इंट वाल ए, जो आपका डेटा टाइप इंट है उसमें स्टोर हो गया है. इसी तरह से अब हम अगर रैपर क्लास की बात करेंगे तो आपका इंटीजर, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रैपर क्लास है. ये इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर बी रैपर. देखो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप पहले से जानते हैं, आपने थ्रेड क्लास का बनाया, असर्शन का बनाया, ठीक है, और भी बहुत एक्सेप्शन का बनाया, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है. हर क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप यहाँ पर. ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या किया यहाँ पर, इंटीजर क्लास का भी आपने बनाया. इंटीजर ये प्री बिल्ट है आपका, इसमें नो चेंजेस, आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे. आप न्यू ऑपरेटर आपने लगाया इंटीजर और 50 आपने ये पास कर दिया. तो यहाँ पर आपने क्या किया, रैपर का मतलब क्या होता है, लपेटना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपकी यहाँ पर आउटपुट दे रही हैं आपकी. ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार जो एग्जांपल समझा देता हूँ मैं. इन द फर्स्ट एग्जांपल डिक्लेरेशन द इंट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन स्लाइड विद द वैल्यू 50. इन द सेकेंड डिक्लेरेशन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटीजर क्लास इंटीजर इज इट इज स्लाइस्ड विद द वैल्यू 50. ठीक है, अब वहां पर इंटेंसिफाइड कर रहे हैं, इन स्लाइस कर रहे हैं वैल्यू के द्वारा. अब हो क्या रहा है यहाँ पर, द वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन एंड वेरिएबल बी, जो ए है आपका वो तो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन हो गई. ए जो वेरिएबल है वो तो एक मेमोरी लोकेशन हो गई, लेकिन बी एक तरह का रेफरेंस है. बी इज़ अ रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन. मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस है जो क्लास टाइप के इंटीजर को होल्ड करता है, उसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है. ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो इस थ्योरी से मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर, वो आपका ये है कि आप यहाँ पर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में, यानी रेफरेंस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं और रेफरेंस को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं. ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? रैपर क्लास की हेल्प से. ठीक है, चलिए मैं आपको क्लासेस का नाम दिखा देता हूँ आपको मैं. ये आप इसको देखिए, आपका java.lang. इस पैकेज में ये सारे रैपर क्लासेस मौजूद हैं यहाँ पर. बोलियन का बोलियन ही है, बी कैपिटल हो जाएगा. बाइट का बाइट ही रहेगा, बी कैपिटल हो जाएगा.
केयर का कैरेक्टर, यानी कि ये अब आपका यहाँ पर केयर, देखिए चार लेटर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा सी कैपिटल के साथ। इंट का इंटीजर होगा, ठीक है, फ्लोट का फ्लोटी रहेगा, डबल का डी है। तो देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी आपका रैपर क्लास है वो कैपिटल है, शुरू के जो लेटर्स है वो कैपिटल में हो जाएंगे और जो रेस्ट के जो लेटर्स है वो आपका यहाँ पर स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका रैपर क्लास है जो प्री डिफाइंड है जावा डॉट लेंथ पैकेज में मौजूद है आपके, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और उन प्रोग्राम्स में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रैपर क्लास का यूज़ हमें करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जावा नेटबिंग की स्क्रीन पे। ये रहा आपका जावा नेटबिंग की स्क्रीन, और यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो मैं आपको एक एक करके आपको बताऊँगा, आपको मैं थोड़ा सा हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक रैपर नाम से मैंने क्लास बनाया, मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, और मेन फंक्शन के बाद आपने एक छोटा सा वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आपने लिखा int y इक्वल टू 10, ये लिखा आपने int y इक्वल टू 10 लिखा, और यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। तो ये एक सिंपल एक मेथड है जो आप पहले से ही जानते हैं आप, इट इज़ द वन काइंड ऑफ सिंपल मेथड विच इज ऑलरेडी नोन बाय यू, ठीक है। int y इक्वल टू 10 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये आपने प्रिंट कर लिया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको ठीक है, जस्ट वेट फॉर द आउटपुट। See, the value of y is 10. Okay, so this is your output. Now, suppose next thing we want here, कि अगर हमें यहाँ पर कोई assignment करना है, कुछ reference का use करना है, तो हम कैसे करेंगे। मैं अब इसको मैं enable कर रहा हूँ, यहाँ पर जो single comment है आपका वो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम int y equal to 10, एक मैंने स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दिया, जैसे 10 लिखा वो स्ट्रिंग एक तरह से डिफाइन कर दिया यहाँ पर, और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया यहाँ पर y इक्वल टू str। क्या ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक नो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप राइट क्लिक करके देखेंगे आपको एरर्स दिखेंगे यहाँ पर, सी आपको यहाँ पर एरर आपको मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आपने लॉजिक ही गलत कर दिया है यहाँ पर, यहाँ पर आपने लॉजिक ही गलत कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसा ही करना हो, अगर ऐसा ही हमें करना हो, तब हम क्या करें, तब हम यूज़ करेंगे रैपर क्लास का, और रैपर क्लास की हेल्प से हम पार्सिंग यानी कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता रखा है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये कि आप पार्सिंग कैसे करेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को अब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, अब इस चीज़ को मैंने यहाँ से हटा दिया, डिसेबल कर दिया, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया इंट वाई, ठीक है, एक मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया, दूसरा मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया यहां पर, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू 10, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर अब मैंने किया इंटीजर का जो रैपर क्लास है वो मैंने यूज कर दिया, इंटीजर डॉट पार्स इंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पर पार्स इंट यानी पार्सिंग होती है यहाँ पर, आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसलिए मैंने आपने पार्स इंट लिखा है अपने यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका डबल आपका डेटा टाइप होता तो वहाँ पर डबल लिखते हैं आप, पार्स डबल लिखते पूरा आप, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो मैंने पास करी क्योंकि एस टी आर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जब हम यहाँ पास करेंगे हम, तो पास करने के बाद आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पा सकते हैं। अब मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पर, वाई को मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, वाई मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर मेन लाइन हमारी ये है, इस मेन लाइन में रैपर क्लास आपका ये है, ये आपका रैपर क्लास है, ठीक है। इस रैपर क्लास में आपने यहाँ पर लिखा है इंटीजर डॉट पार्सेंट, और यहाँ लिख दिया एस टी आर,
ठीक है, पार्स इंट मेथड को आप एक्सेस कर रहे हैं इस वाले क्लास की हेल्प से, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, रन करिए, रन करके देखिए क्या आउटपुट आता है, क्या कन्वर्जन प्रॉपर तरीके से होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज स्टिल टेकिंग द टाइम, सी द रिजल्ट, द वैल्यू ऑफ वाई इज 10। यहाँ भी देखिए प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आपको मिल रहा है, यहाँ जो पार्सिंग है, जो कन्वर्जन है वो आपका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने किया क्या है यहाँ पर, आपने यहाँ पर रैपर क्लास को, रैपर क्लास जो आप देख रहे हैं उसकी हेल्प से प्रिमिटिव डेटा टाइप को आपने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया आपने। अब यहाँ पर जब आपका कन्वर्जन ये आपका हो गया, तो इसका जो उल्टा है वो भी हम एक बार देखने गए किस तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक है। आपने अभी भी क्या किया, एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट आपका पहले से है आपका, उसी की हेल्प से आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपका इंटीजर में था आपका और आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसी को प्रिंट आउट ले लिया आपने, ठीक है। अब इसका उल्टा देखते हैं हम, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम देखें, यहाँ पर रैपर वन है क्लास का नाम, मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके बाद यहाँ पर एक इंटीजर मैंने रैपर क्लास का यूज़ किया। देखिए दोनों मेथड अलग अलग हैं, ठीक है। मेथड नंबर टू है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा रहा है, उसी ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। तो एक मैंने रैपर क्लास का यूज़ किया, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर लिख दिया और मैं पास कर दिया 5, और यहाँ पर ए को मैंने प्रिंट आउट ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए राइट क्लिक करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, रन फाइल कर दिया यहाँ पर, देखिए द वैल्यू इज 5। और अगर आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज किया, अगर आपने सपोज करिए यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दिया 100, अब आप राइट क्लिक करिए तो यहाँ पर वैल्यू आपके 100 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अभी फिलहाल मैं आउटपुट को वेट करिए फिलहाल, सी द वैल्यू इज 100। तो आपने देखा यहाँ पर कि दोनों ही मेथड में, इस वाले मेथड में आपका हो क्या रहे हैं यहाँ पर, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, और इस वाले में प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर फिर आपको मिल रहा है रिजल्ट, ठीक है। मैं एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहेगा, आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप टू ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इस चीज़ को हटाऊँगा यहाँ से, यहाँ से मैंने कट कर दिया, ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो ये आपका रहा रैपर क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि आपको रैपर क्लास आसानी से समझ में आ गया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ डाउट, डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ मी, ओके। आई एम ऑलवेज हियर टू गिव यू ऑल काइंड सपोर्ट्स हियर, ओके। एंड राइट नाउ ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ फिनिश फ्रॉम माई साइड, एंड वंस यू आर हैविंग द रिविज़न, ओके, देन वी आर हैविंग सम न्यू थिंग हियर, सम कुछ नई चीज़ों का ही हम डिस्कस करेंगे, और नई चीज़ों का डिस्कस करके हम वहाँ पर कई तरह की चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कुछ सैम्पल पेपर वगैरह भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही,
So students, thank you so much for watching this video, and keep watching the other videos and give your like and comment, right? And one more thing, if you feel that you have any kind of query, any kind of doubt, definitely you can get in touch with me. Okay, and I'm here to give you all kind of resolution of your doubts, right? So students, thank you so much for watching this video. Thanks again.